Dear students, I Vidyasagar welcome you all in the e-learning class of Modern International School History. I am going to start subject geography of standard 8 and this is third video lecture on the topic agriculture chapter 4. Dear students, we have discussed that the different pattern of plantation was there and now we will discuss about the different crops. Now the major crops, as the large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. As we know, dear students, as we know that somehow if we are facing the scarcity of feeding the population, then it's main reason that sequentially the population is growing on, wherever we are just helpless. And if we are not, we will do it like same, then once it will happen that we will have the less land and we will have more population that we have to feed at any cost. It will may not be fulfilled, then what will happen? The lot of people, they will die of hunger. As we can see, why the price is hiking day to day of the daily use commodities, this is basically because lot of people, they are being away from the एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वो खेती के बाड़ी के कामों से दूर चले गए और अपने आप को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं. जब खेती बाड़ी के कामों से दूर चले जाएंगे तो आखिर इस खेती को करेगा कौन. लाइक द डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं. मेजर जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं लाइक द वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ओके ये सारे क्रॉप्स हैं. राइस, एज यू नो द राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. ये भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है वो मुख्य खाद्य पदार्थ है चावल. ओके, एज इट नीड्स द हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल. एटलीस्ट 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इज रिक्वायरमेंट फॉर द राइस ओके प्रोडक्शन. एंड बेसिकली द एलुवियल एंड क्ले सॉइल ओके is required for the production of rice. Like the China is the leading producer, as well as India, Sri Lanka and Egypt. These all are the leading producer of rice. Okay. Or favorable climatic condition that are found basically in West Bengal, Bangladesh, two or three crops grown in a year. और यहाँ पे जो अच्छी क्लाइमेटी अगर मिल जाती है, अच्छी जलवायु मिल जाती है, तो क्या होता है कि एक साथ दो और तीन क्रॉप एक ही साल में लगा दिए जाते हैं. दिस इज द क्रॉप रोटेशन, है ना, इसी को क्रॉप रोटेशन कहते हैं. यानी कि एक ही साल के अंदर वो क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी की जो उर्वरकता है, द फर्टिलिटी ऑफ दैट प्लेस, दैट इज फाइन. ओके, नाउ वीट, वीट जो है हम लोग देखते हैं कि वीट को जो है वो क्या है कि थोड़ा सा टेम्परेचर हाई चाहिए, बट द रेनफॉल अगर उसे 100 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर अगर मिलता है, देन इट इज एडिक्वेट. बट द टेम्परेचर, क्योंकि इसे बड़ा होने में, इसे पकने में, ये सारी चीज़ों में इसका जो सनशाइन है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है. ओके, नाउ इट इज इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, है ना, जिसे हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं. ठीक है, बेसिकली वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए. कहाँ कहाँ होता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. इंडिया भी है, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है. ओके, सो इन इंडिया द वीट ग्रो इन विंटर. ओके, जिसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं, है ना, जो कि अक्टूबर नवंबर में जो इसको लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है. नाउ मिलेट्स, है ना, मिलेट्स जो दे आर नोन एज द कोर्स ग्रेन, इसे क्या बोलते हैं, मोटा अनाज. बेसिकली ये कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाता है एंड इट इज इन सैंडी सॉइल्स, और बालुई मिट्टी में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है. वेयर एवर लो रेनफॉल एंड मॉडरेट टेम्परेचर, अगर कम भी बारिश हो रही है और टेम्परेचर अगर मध्यम भी है, तो इसका क्या है, ये अच्छे तरह से उग जाता है. एडिक्वेट रेनफॉल, ज्वार, बाजरा, रागी ग्रोन इन इंडिया, और ये सभी चीज़ें जो हैं ये उगाए जाते हैं. ओके, दूसरे कंट्री लाइक नाइजर, चाइना, ये सारी जगह भी कोर्स ग्रेन यानी कि मिलेट्स उगाए जाते हैं. आई मेज, मेज तो आप लोग देखते रहिए रहे हैं. मेज रिक्वायर्ड द मॉडरेट टेम्परेचर, इसमें भी जो है एंड लॉट ऑफ सनशाइन, इसमें भी जो है क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल का जरूरत है.
ओके एंड लेकिन जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये जो है ये पक सके। ओके एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इज रिक्वायर्ड, है ना, उपजाऊ भूमि की भी ज़रूरत होती है। जैसे इसे ज़्यादातर हम लोग देखेंगे कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा और मैक्सिको में ये पाया जाता है। कॉटन, डियर स्टूडेंट्स, कॉटन एज वी नो कॉटन बेसिकली जो है वो ब्लैक सॉइल में उगता है, है ना, इट ग्रोज इन ब्लैक सॉइल एंड दिस ब्लैक सॉइल इन इंडिया दिस आर फाउंड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके और इसे जो है क्या है 210 दिन जो है वो फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए एंड ब्राइट सनलाइट। फ्रॉस्ट फ्री कहने का मतलब कि उसमें धुंध, उसमें कुहासा जो है वो नहीं होना चाहिए और ये क्लियर होना चाहिए और उस पर जो टेम्परेचर सनलाइट है वो डायरेक्टली आना चाहिए, तब इसका जो है वो अच्छी तरह उग पाता है। बेसिकली ये वर्ल्ड में कहाँ होता है, तो चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। और इसका यूज कहाँ है, तो इट इज़ प्रोवाइडेड एज रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यानी वस्त्र उद्योग में इसका मुख्य जरूरत होता है। नाउ जूट, है ना, जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, है ना, इसे सुनहला रेशा भी कहा जाता है ना, क्यों, क्योंकि जूट जो है वो बनने के बाद कि किस तरह का हो जाता है, गोल्डन ही हो जाता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इट ग्रोज वेल इन अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल, है ना, जो कि दैट सॉइल विच आर इजिली अवेलेबल वो अलुवियल सॉइल में होता है एंड रिक्वायर्ड द हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसे क्या होता है, पकना होता है, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर का ज़रूरत है एंड हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट। इसीलिए आप देखेंगे ये जो है हमारे बिहार के ईस्टर्न इलाकों में और बंगाल के इलाकों में ये चीज़ ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्या है कि बारिश की अधिकता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज देयर। ओके नाउ क्रॉप्स जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे 0 degree to 23 degree north एंड 23 degree south, इन्हीं इस जगहों में ये जूट जो है वो पाया जाता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, इंडिया में खासकर इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ये चूंकि ये क्या है, यहाँ की सॉइल जो है वो लगभग क्या है, सेम है, एट दे आर एडजॉइंट प्लेसेस, ओनली इट इज डिमार्केटेड बाय द बाउंड्रीज, सो यहाँ पे इन जगहों पे जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। नाउ कॉफ़ी, कॉफ़ी जैसा कि पता चलता है कि एज इट रिक्वायर्ड द हाई टेम्परेचर, इसे कैसा चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और लोमी सॉइल चाहिए, है ना, कहते हैं कि हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर द कॉफ़ी, है ना, यानी कि पहाड़ की ढलानी जो होती है वो ज़्यादा इसके लिए सुटेबल होती है, राइट। एंड बेसिकली लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कौन है, ब्राज़ील, ओके और ज़्यादातर इंडिया में भी ये पाए जाते हैं, जो कि कहाँ है, कर्नाटका, है ना, कर्नाटका वाले रीजन में कॉफ़ी अच्छी पाई जाती है। टी, आप जानते हैं टी इज़ द बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, है ना, प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आता है टी, और बेसिकली जो है ये इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, बेसिकली हमारा नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, असम ले लीजिए, दार्जिलिंग ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, है ना, ये सारे जगह जो है ये क्या है, टी प्लांटेशन के लिए उपयुक्त है, एज वेल एज दीज एरियाज आर द हिली एरियाज, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, द वाटर इट गेट्स स्लो डाउन, है ना, फ्रॉम द टॉप एरियाज टू द लोअर एरियाज, और इसीलिए इन जगहों पे जो है टी प्लांटेशन इज सुटेबल। ओके नाउ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इफ यू विल फाइंड दैट द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बेसिकली इट इज यूज्ड टू बी हैपन दैट इन द अर्लियर टाइम्स द ओल्डर टेक्निक्स इट वॉज यूज्ड, बट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 1960s, जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था MS स्वामीनाथन के द्वारा इन इंडिया, देन वॉट इट वॉज फाउंड दैट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द पार्टिकुलर एरियाज दे हैव टेकन द ग्रेट बेनिफिट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, और उस हरित क्रांति का जो बेनिफिट हुआ उसके तहत लॉट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एज वेल एज द HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, दिस ऑल ब्राउट टू इंडिया, और इसी के तहत जो है वो कृषि एज इंडिया नाउ इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फार्मिंग कंट्रीज, सो इस कृषि पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन शुरू हो सका। ओके लाइक इट इज गिवन है
लाइक द फर्टिलाइजर एच वाई वी सीड्स मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर गिवेन है ओके. और बेसिकली एग्रीकल्चर्स जो है वो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी हमने जाना कि 50% जो लोग हैं वो क्या है एग्रीकल्चर वर्ल्ड में अलॉन्ग वर्ल्ड में जो है ये इस पर डिपेंडेंट है. सो डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन ये बेसिकली इंटेंसिव एग्रीकल्चर आर डन देयर है ना. यहाँ पे जो दिया गया है मुख्य कारण कि ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से गहन कृषि जो है वो की जाती है. एक ही फार्म में स्मॉल होल्डिंग्स में जो है अलग अलग लोग जो है वो लगे पड़े हैं राइट. लेकिन अगर हम इसी चीज़ों को देखते हैं अमेरिका या फिर दूसरे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अगर कंपेयर करते हैं देन वील फाइंड दैट द लार्ज होल्डिंग्स आर देयर एंड वहाँ पे जो है वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं. और ये भी कड़वा सत्य है दैट वी डोंट हैव एनफ मनी दैट वी वुड बी टू मच मैकेनाइज्ड. हम लोग के पास उतनी ज़मीन नहीं है हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है दैट हम भी उतनी ज़्यादा मैकेनाइज्ड होकर काम कर सकें. इसी का दो एग्जाम्पल दिया हुआ है ओके. एक ये फार्म जो कि इंडिया में है बेसिकली इट इज़ द एग्जाम्पल विच इज़ गिवन फ्रॉम द स्मॉल विलेज आदिलाबाद जो कि कहाँ है गाजीपुर उत्तर प्रदेश. मुन्ना लाल स्मॉल फार्मर ही इज़ यूजिंग द 1.5 हेक्टेयर ओके. उसे 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन है एंड हीज हाउस इन मेन विलेज उसके घर जो है वो क्या मुख्य विलेज में. ही परचेज एच वाई बी सीड्स खरीदते हैं एंड ही ऑल्सो टेकन एडवाइस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड बेसिकली ही ग्रो द क्रॉप्स एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ए ईयर जो विच इज बेसिक राइस व्हीट एंड समटाइम पल्सेज ऑल्सो. और अपने दोस्त से क्या करते हैं सलाह लेते हैं ओके. और क्या करते हैं कि ट्रैक्टर रेंट पर लेकर जो है उससे जुताई कर लेते हैं. और ट्रेडिशनल उसके कुछ दोस्त हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा क्या करते हैं बैलों के द्वारा अपने खेत की जुताई करते हैं. एंड फर्दर मुन्ना लाल के पास 2 भैंसे भी हैं और कुछ मुर्गियाँ भी हैं. ही सेल्स मिल्क इन कोऑपरेटिव स्टोर दूध को क्या करता है बेच देता है. एंड विच ऑल्सो एडवाइज हिम फॉर टाइप ऑफ एनिमल ऑफिस फॉर्डर जहाँ से उसे क्या सलाह मिलती है कि अपने जानवरों को किस प्रकार की चारा खिलाना चाहिए. एंड ऑल्सो द सेफ्टी मेजर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड लाइफ स्टॉक ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. और ऑल द फैमिली मेम्बर्स सारे फैमिली मेम्बर क्या है उसमें लगे पड़े. यही समस्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की. ये समस्या है दैट लॉट ऑफ पीपल आर एंगेज इन पर्टिकुलर वर्क ओके. बट यहाँ पे क्या होता है देन बैंक जो है वो क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से द्वारा जो है वो बैंक जो है उन्हें क्या देता है लोन भी देता है. एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से क्या करते हैं HYB सीड्स खरीदते हैं और उसे उपयोग करते हैं. ही सेल द प्रोड्यूस इन मंडी और अपने सारे उत्पाद को कहाँ बेच देते हैं मंडी में. एंड द मेजोरिटी ऑफ फार्मर डू नॉट हैव लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज और उनके पास रखने की भी जो है वो परेशानी नहीं है ओके. सो इवन व्हेन मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम देन गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स फॉर स्टोरेज फैसिलिटी. कहते हैं कि जब मार्केट उनके लिए अनुकूल नहीं होता यानी जिनका उतना जो उत्पादन लागत है अगर वो वापसी नहीं आता है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट नॉट कैम इन रिटर्न देन दे यूज टू स्टोर इट एंड फर्दर वेन एवर द प्राइस बिकेम द हाई देन दे यूज टू सेल इन द मार्केट ओके. सेम वन एग्जाम्पल इज गिवेन हेयर लाइक द USA का एक फॉर्म दिया हुआ है जो कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन फार्म. और ये ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लैंड जो है वो अवेलेबल तो ये ऑब्वियस सी बात है ना. इसमें कोई क्रिटिक्स नहीं है. हेयर इट इज सोन दैट वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव ओके. तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि USA में जो है एक एक बंदा क्या करता है 250 हेक्टेयर की लैंड को रखता है एंड जनरली रिसाइड्स इन फार्म और उसी खेत में ही रहता है. एंड दे बेसिकली यूज ग्रो कॉर्न सोयाबीन वीट कॉटन सुगर बीट. और जो होरन यहाँ पे कौन था मुन्ना लाल वहाँ पे कौन है जो होरन जो कि फार्मर है मिडवेस्ट USA में ओके ऑफ द लोअर स्टेट ऑन 3 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. वो क्या करते हैं 300 हेक्टेयर्स लैंड है यहाँ इतनी इनके पास कितने हैं 1.5 हेक्टेयर. आप सोच सकते हैं दैट अप्रोक्स
कितने कम हो गए, लाइक 150 टाइम्स जो है ये कम हो गए। ओके नाउ उनके वो जो है क्या, वो क्या करते हैं, दे यूज एज मच, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अपने लैंड को चेकअप करवाते हैं, अपने सॉइल को क्या करते हैं, चेकअप करवाते हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजते हैं। फर्दर दे फाउंड, वहाँ पे उन्हें जो भी राय मशवरा दिया जाता है वो अपने टेस्टिंग सॉइल टेस्टिंग के द्वारा अपने मिट्टी का जो है वो चेकअप करवाते हैं, और क्या करते हैं, अलग अलग तरह से जो है वो फार्म में छिड़काव करते हैं, ताकि जो है द इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स जो है वो क्या करे, उसे फार्म को हानि ना पहुंचा सके। ओके उसके बाद अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स की अगर कम होती है तो उसे क्या करते हैं, बराबर दिए जाते हैं। हॉर्न प्लांट साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, और जैसा कि हम लोग जानते हैं अमेरिका दैट इज़ द डेवलप्ड कंट्री, सो देयर ऑल द थिंग्स लाइक द फार्मिंग, एजुकेशन, डिफेंस, ऑल थिंग्स इट आर मैकेनाइज्ड, और सभी चीज़ों में जो है यांत्रिक यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ है। सो वहाँ पे वो भी जानते हैं कि वो फर्टिलाइजर प्रोग्राम्स का, साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम का यूज करते हैं। हीज कंप्यूटर, उनके पास कंप्यूटर भी है, और हमारे पास कंप्यूटर स्टूडेंट के पास नहीं होता, फार्मर के पास कहाँ से होगा। दिस इज द मेजर डिफरेंसेस। ओके सो वो क्या करते हैं, दे इट गिव्स देम द सैटेलाइट पिक्चर, एंड फर्दर दे ऑल्सो यूज टू द केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स विच एवर रिक्वायर्ड। वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो यूज द ट्रैक्टर, ड्रिलर, लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। और ग्रेन, अनाज जमा करने के लिए क्या है, एक ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज है, है ना, और ये क्या करते हैं, अगर वहाँ जमा नहीं कर पाए तो मार्केट में बेच देते हैं। फार्मर देयर, वो जो है वहाँ पे क्या करते हैं, एक बिजनेसमैन के रूप में काम करते हैं, ना कि एक किसान के रूप में। ओके डियर फ्रेंड्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।